गाइज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने चैनल एग्जाम कैपिटल पर। देखिए आज 3 जून 2024 हो चुके हैं और आज से हरियाणा कॉलेजेस में यूजी के एडमिशन शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी तक जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर लिंक नहीं आया है। बट कोई बात नहीं, जैसे ही लिंक आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं, जरूरी कागजात हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एडमिशन के लिए, वो तैयार कर लीजिए। उनकी बात हम लोग करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस कॉलेज में कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं और उस कोर्स के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कॉलेजेस के अंदर उन कोर्सेज की टोटल फीस कितनी है। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई कॉलेज है उसके अंदर बीकॉम है और बीकॉम की फीस कितनी रहने वाली है उस पर्टिकुलर कॉलेज की, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं admissions.higher-ajuhari.ac.in /home। देखिए यहाँ पर होम जो है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये इस तरह का इंटरफेस कुछ आप लोगों के सामने आएगा। एक ही साइड आपको अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशन शेड्यूल दिए गए हैं और यहाँ पर आपको दिए गए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन शेड्यूल्स। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आए हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था वो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3 जून से 25 जून तक चलेंगे, ये तमाम चीज़ें हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट पर जाने के बाद यहाँ पर से आप लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो बाद की बातें हैं, जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। लेकिन जो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाई दी एप्लीकेंट है वो यहाँ पर शो किए हुए हैं। ठीक है, तो जो पहला है पासपोर्ट साइज फोटो, जो कैंडिडेट है एप्लीकेंट है जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा उसकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। दूसरा है उसके सिग्नेचर लगेंगे और ये मैक्सिमम 50 KB या और 20 KB के होने चाहिए। 10th एंड 12th की मार्कशीट लगेगी, 10वीं और 12वीं की जो DMC है आप लोगों की वो लगेगी। इसके साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, अगर कोई स्टूडेंट अदर देन हरियाणा बोर्ड है, यदि उसने 12th हरियाणा बोर्ड से की है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यदि मान के चलो कोई यूपी से है, पंजाब से है, वहां से उन्होंने 12th की है तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। यदि आप वेटेज लेना चाहते हैं, आपके पास NSS NCC का बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, बाहर स्काउट एंड गाइड्स का सर्टिफिकेट है या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है जो एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो तो वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, उसकी आपको वेटेज मिल जाएगी। बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा सर्टिफिकेट, यानी कि हरियाणा डोमिसाइल को का जो हरियाणा डोमिसाइल होता है वो आपको जरूरी चाहिएगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम। इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जो BCA और BCB और SC का सर्टिफिकेट बनता है वो आपको चाहिएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जनरल का कोई वैसे खास सर्टिफिकेट नहीं बनता है। OBC की जो दोनों कैटेगरी है BCA और BCB, उनको उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, SC का लगेगा, ST का लगेगा। ठीक है, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा और अगर आपका कोई गैप ईयर है, मान के चलो आपने अभी 2024 चल रहा है, 2023 के अंदर 12th की थी और अब 2024 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि 1 साल का आपका गैप हो गया, तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एक एफिडेविट देना पड़ेगा। तो ये जो थे एसेंशियल डॉक्यूमेंट यानी जरूरी कागजात थे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इनको तब तक पूरा कर लीजिए जब तक हमारा एडमिशन लिंक ओपन होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है होम का, दूसरा है कॉलेज कोर्सेज का, तीसरा है डैशबोर्ड का और फोर्थ है पेमेंट स्टेटस का। पेमेंट स्टेटस की हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है कॉलेज स्लैश कोर्सेज का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यदि आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कोर्सेज को सर्च करना चाहते हैं और उसके लिए कितनी फीस है वो आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन पर जाने के बाद एक सेकंड, अभी नेट स्लो है। देखिए जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा।
सर्च कॉलेज सबसे पहले यहाँ पर अगर आप पूरे हरियाणा के देखना चाहते हैं तो वो तो आपके सामने अवेलेबल ही है। यदि आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मान के चलो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पर कैथल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन टाइप में यानी कि वो कौन से या जितने भी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी कॉलेजेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या को एजुकेशन यानी बॉयज एंड गर्ल्स उस कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या ओनली गर्ल्स कॉलेज की या ओनली बॉयज कॉलेज की। तो मैं यहाँ पर ऑल की बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या एडेड कॉलेज की या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सर्च कर देना है। देखिए सर्च करने के बाद यहाँ पर कॉलेजेस के नाम आ गए। पहला कॉलेज है जैसे कैथल का अमरनाथ भगत जैन राम कन्या महाविद्यालय। देखिए बेसिकली ये अल्फाबेटिकल है, जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है, सी है, डी है, तो इस तरह से सभी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्ट्रीम कौन सी है, इसके अंदर आर्ट है, कॉमर्स है, और ये ओनली गर्ल्स के लिए है, और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, ठीक है। दो कोर्स इसके अंदर टोटल है और टोटल सीट 200 है इसके अंदर, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है, यानी कि जो आपकी डिग्री बन के आएगी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बन के आएगी, और जो सिलेबस होगा वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर ही के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगी, ठीक है। तो इसी तरह सभी कॉलेजेस की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा यदि मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, मान के चलो मैं किसी भी कॉलेज को यहाँ पर उठा लेता हूँ। देखिए ये सबसे फेमस कॉलेज आर के एस डी कॉलेज, इसके अंदर 12 कोर्सेज हैं, 2190 टोटल सीटें हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, और को एजुकेशन यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। तो मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए कॉलेज का नाम आ गया, किस प्रकार का ये कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कॉलेज का एड्रेस क्या है, ठीक है, कॉलेज की वेबसाइट का यूआरएल यानी लिंक दिया गया है, तो ये सभी चीजें, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ प्रिंसिपल तक का भी दिया हुआ है, या कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोफेसर या टीचर है जो एडमिशंस की प्रोसेस को उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर देख रहा है उनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मिस्टर अजय शर्मा है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। आर्ट स्ट्रीम के लिए संजय गर्ग है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, तो इस तरह से आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं तो यहाँ पर उनके कॉलेज के अंदर टोटल कोर्सेज कौन से हैं। देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इवनिंग शिफ्ट सेल्फ फाइनेंस है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स सेल्फ फाइनेंस है, एडेड और सेल्फ फाइनेंस। फर्क ये होता है कि इसकी फीस थोड़ी कम रहती है और इसकी फीस ज्यादा रहती है, डिग्री वगैरह सब कुछ सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स है, इसके अंदर आपको देखिए एडेड के अंदर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, सेल्फ फाइनेंस में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बैचलर ऑफ कॉमर्स इवनिंग शिफ्ट है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स वोकेशनल है, ठीक है। तो इस तरह से सभी कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर इस सामने इसकी कैटेगरी दी गई है, और उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 560 सीटें हैं, मतलब जैसे यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर 560 सीटें हैं और स्पोर्ट्स की 6 सीटें हैं, और इसकी कोर्स जो फीस रहने वाली है वो एक साल की 17,120 आपकी फीस रहने वाली है। इसी तरह यदि मैं कॉमर्स की बात करूँ तो टोटल 160 सीटें हैं, 5 इसमें स्पोर्ट्स कोटा की सीटें हैं, और 17,660 रुपये आपकी फीस रहने वाली है एडेड की। अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ तो 21,590 है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलेज के अंदर उसके कोर्सेज जो है उनको चेक कर सकते हैं, उनकी सीट्स चेक कर सकते हैं और उनकी फीस चेक कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि आपको केवल ये चेक करने हैं कि एक पर्टिकुलर कोर्स किस किस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर वापस आपको कॉलेज एंड कोर्स के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च कोर्स का नाम एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको कि आप यूजी के हैं या पीजी के हैं। जैसे यूजी का हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए यूजी सिलेक्ट कर लिया। यूजी सिलेक्ट करने के बाद आपको किस कोर्स के बारे में आप लोग सर्च करना चाहते हैं कि ये किस कॉलेज के अंदर मिलेगा, मान के चलो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ से एक रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यदि आप डिस्ट्रिक्ट देखना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज या सभी हरियाणा के अंदर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। मान के चलो मैं फिर से यहाँ पर कैथल सिलेक्ट करता हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस किस कॉलेज के अंदर ये बीबीए अवेलेबल रहेगी। एजुकेशन टाइप वही, आप अगर को एजुकेशन यानी बॉयज एंड गर्ल्स का जो कॉलेज है उसके बारे में देखना चाहते हैं, और या ओनली गर्ल्स के लिए या ओनली बॉयज के लिए, तो मैं यहाँ को ई एड कर देता हूँ। और उसके बाद कॉलेज टाइप गवर्नमेंट एडेड या सेल्फ फाइनेंस, तो मैं यहाँ पर भी आल कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए दो कॉलेज ही ऐसे आए हैं जिनके अंदर बीबीए अवेलेबल है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है गवर्नमेंट कॉलेज कैथल यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
गवर्नमेंट कॉलेज जगदीशपुरा कैथल, जिसके अंदर एक और से ये उसकी 40 सीटें अवेलेबल हैं। यदि मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये रही 40 सीटें हैं और 9268 रुपये इसकी फीस रहेगी। बैचलर ऑफ कॉमर्स की रहेगी 6420 रुपये इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, ठीक है। यदि मैं आरकेएसडी कॉलेज की बात करूं तो वहां पर टोटल 70 सीटें हैं और यहां पर इसकी फीस की बात करें तो हमने पहले भी चेक कर लिया था, यहां पर 31,330 रुपये सेल्फ फाइनेंस की फीस है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोर्सेस चेक कर सकते हैं, आप कॉलेजेस चेक कर सकते हैं, उनकी फीस चेक कर सकते हैं, सीट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर मैं पेमेंट स्टेटस के ऊपर आऊं तो यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है और फीस टाइप देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये पे करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हो। स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो कि आपका वो सक्सेसफुली डिडक्ट हो गई है, अपडेट हो गई है पोर्टल पे या नहीं, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो फीस का स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हो, और जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। जैसे ही अवेलेबल होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको डाल दूंगा, और इस ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।